अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा आर्टिकल है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम लोगों ने थर्ड चैप्टर में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पढ़ा था, तो और उसमें हम लोगों ने कहा था कि ये जो लॉ है ये तब एप्लीकेबल होता है जब सिस्टम आइसोलेटेड हो, और आइसोलेटेड सिस्टम की हम लोगों ने डेफिनेशन जो है वो ये बताई थी कि अगर किसी भी इंटरेक्टिंग बॉडीज़ पर एक्सटर्नल फोर्स ज़ीरो हो तो वो जो दो बॉडीज़ होती हैं वो एक आइसोलेटेड सिस्टम बना देती हैं। बिल्कुल इसी तरह से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की भी शर्त है कि ये लॉ लगने के लिए किसी भी बॉडी पर जो एक्सटर्नल टॉर्क है वो ज़ीरो होना चाहिए, किसी भी सिस्टम पर एक्सटर्नल टॉर्क ज़ीरो होना चाहिए। तो याद रखें लीनियर मोशन में, लीनियर मोमेंटम के कंजर्वेशन के लॉ में एक्सटर्नल फोर्स ज़ीरो होगी और कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के लॉ में एक्सटर्नल जो टॉर्क है वो ज़ीरो होगा। तो हम ये कहेंगे अगर किसी सिस्टम पर लगने वाला एक्सटर्नल टॉर्क ज़ीरो है तब टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेंस कांस्टेंट। तब हम कहेंगे कि जो सिस्टम का जो टोटल एंगुलर मोमेंटम है रोटेशन से पहले या रोटेशन के बाद वो फिर कांस्टेंट रहेगा। यानी कि मैं लिख सकती हूँ एल टोटल जो है वो एल वन प्लस एल टू प्लस ऑन इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, अब इस बेटे लॉ को समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं जो कि आपकी बुक में बनी हुई है। एक डाइवर है, एक वाटरकॉर है और वो जो है डाइव करने लगा है। तो डाइव करने से पहले गौर से देखें तो ये है डाइविंग बोर्ड, इस बोर्ड के ऊपर जो है ये भाग रहा है, भाग कर आएगा और फिर यहाँ से जंप करेगा और फिर उसके बाद ये अपने आप को टक पोजिशन में ले आएगा। टक पोजिशन का मतलब अपनी बॉडी को बिल्कुल क्लोज कर लेगा, अपनी जो लेग्स हैं और जो आर्म्स हैं वो बिल्कुल फोल्ड कर लेगा, इसको टक पोजिशन कहते हैं और इन कलाबाजियाँ खाने को समरसॉल्ट्स कहते हैं। ठीक है, तो अब हम बेटे इस 1 2 3 इस 3 पोजिशन पर अगर आप गौर से देखें तो इस 3 पोजीशन पर क्या हुआ है, इसका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, फॉर एग्जांपल इसका ये बेले पॉइंट है। ठीक है, इसके इर्द गिर्द इस बॉडी ने क्या करना है, रोटेट कर जाना है। ठीक है, फोल्ड हो जाना है, अपने लेग्स को आर्म्स को फोल्ड कर लेना है। तो इस फोल्ड करने से पहले उसकी देखें तो इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से इसकी बॉडी तक का यहाँ तक का फासला जो आर है वो ज़्यादा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जिसने अपने आर्म स्ट्रेच किए हैं ये भी फासला आर ही है, ये भी ज़्यादा है। यानी कि एक्सिस ऑफ रोटेशन से लेकर यहाँ तक का फासला उसने ज़्यादा कर लिया है बाय स्ट्रेचिंग हिज आर्म्स एंड लेग्स, अपने आर्म्स को लेग्स को उसने बिल्कुल स्ट्रेच कर दिया, बिल्कुल खींच कर सीधा कर दिया ताकि ये फासला ज़्यादा हो जाए। ठीक है, अब इस फासले के, इस आर के ज़्यादा होने से होगा क्या, बेसिकली इस आर के ज़्यादा होने से ये होगा कि बेटे मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एम आर का स्क्वायर। जब हम आर की वैल्यू को ज़्यादा करेंगे तो ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है बेसिकली ये ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया को मैं फिलहाल आई वन से शो कर देती हूँ और ये आर वन कह देती हूँ। यानी कि फोल्ड करने से पहले जो उसकी जो बॉडी है उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो आई वन है, और एक्सिस ऑफ रोटेशन से इसके फिंगर टिप्स तक या इसकी जो पाँव की उंगलियों की टिप है वहाँ तक का जो फासला है वो आर है, और वो आर वन है और वो उसने स्ट्रेच कर कर ज़्यादा कर दिया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा हो गया। अब मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ कि उस बॉडी का, उस डाइवर का अपने एक्सिस ऑफ रोटेशन के इर्द गिर्द फोल्ड करने से पहले का एंगुलर मोमेंटम एल वन है जो कि आई वन ओमेगा वन के बराबर है। आई वन है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया और ओमेगा वन है एंगुलर वेलोसिटी। तो याद रखें कि इस टाइम पर जब ये इस डाइविंग बोर्ड से जंप करेगा तो ये अपनी आपकी एंगुलर वेलोसिटी को थोड़ा करेगा, यानी कि इनिशियली आई वन की वैल्यू है ज़्यादा और ओमेगा वन की वैल्यू है कम। अब जब इसने इस फोर्थ पोजीशन पर अपने आप को फोल्ड कर लिया तो फोल्ड करने का मतलब है अब इसके एक्सिस ऑफ रोटेशन से इसके सर के आखिरी बाल तक का जो फासला है आर टू वो कम हो गया है। सिमिलरली इस आर टू के कम होने से, फोल्ड होने के बाद इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है बेटे वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि मास ऑफ द बॉडी तो सेम है, बंदा तो वही है, ड्राइवर तो आपने चेंज नहीं किया। तो इस आर टू के कम होने से क्या होगा, इवेंचुअली मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी कम हो जाएगा। अब एल टू फोल्ड होने के बाद का एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू आई टू ओमेगा टू। अब हम कहते हैं कि जी जब एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लगता तो दोनों मोमेंटम्स बराबर हैं, तो इसको आई वन ओमेगा वन और इसको आई टू ओमेगा टू लिखना चाहिए। अब इनिशियली आई वन ओमेगा वन, आई वन की वैल्यू है ज़्यादा, ओमेगा वन की वैल्यू है कम। अब फोल्ड करने के बाद आई टू की वैल्यू तो क्या हो गई, कम हो गई, क्योंकि आर टू जो है वो आपका कम हो गया।
अब इस इक्वालिटी को बरकरार रखने के लिए ये ओमेगा 2 ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा हो जाएगी, यानी कि एंगुलर वेलोसिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी टू कंजर्व दी एंगुलर मोमेंटम। इसी रीज़न की वजह से इस फोर पोजीशन के बाद जब ये डाइवर नीचे की जानेब को आएगा किसी पूल में, तो ये बहुत तेज़ी से का मतलब एंगुलर वेलोसिटी ज़्यादा हो गई इसकी, बहुत तेज़ी से ये एक्स्ट्रा समर शॉर्ट्स लेकर एक्स्ट्रा तलाबाजियाँ खाकर ये नीचे आएगा ताकि ये जो इक्वालिटी है ये बरकरार रहे। तो दिस इज़ कॉल्ड द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, तो होपफुली आप इस आर्टिकल को अंडरस्टैंड कर लेंगे, और इसके साथ साथ बेटे आपने ये जो पॉइंट टू पॉन्डर है ये याद कर लेना है, व्हाई डज द कोस्टिंग रोटेटिंग सिस्टम स्लो डाउन एज वाटर ड्रिप्स इनटू द बीकर। ये बिल्कुल यही वाला जो है कॉन्सेप्ट है जो मैंने अभी अभी बताया, वाटर के बीकर में ड्रिप करने से बेसिकली उसका जो मास है वो ज़्यादा हो जाएगा और जो एंगुलर वेलोसिटी है वो कम हो जाएगी। इनिशियली जब आप वाटर बीकर के अंदर पानी के ड्रॉप्स हैं वो नहीं गिरा रहे थे, इसका मास थोड़ा था और ये कोस्टिंग रोटेटिंग सिस्टम पर है यानी कि इसकी एंगुलर वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है। अब जैसे ही आपने वाटर को ड्रॉप किया इसके अंदर तो उसका मास ज़्यादा हो गया, तो इस लॉ इस इक्वालिटी को ओवरकम करने के लिए या इस इक्वालिटी को बरकरार रखने के लिए ये जो कोस्टिंग रोटेटिंग सिस्टम है ये अपनी एंगुलर वेलोसिटी को कम कर लेगा ताकि L1 L2 के बराबर हो। तो सिमिलरली इस तरह से क्वेश्चन हैं ये आपने सॉल्व कर लेना। अल्लाह हाफ़िज़।